14.3 तरंगों के प्रकार। कंपन की दिशा के आधार पर हम जानते हैं कि जब तरंग संचरण होता है तो माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता, अपितु वह अपनी मूल स्थिति के सापेक्ष कंपन या दोलन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार की होते हैं। पहला अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव्स। क्रियाकलाप 5। अ अनुदैर्ध्य तरंगों का बनना। पहला एक स्लिंकी स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लें। दूसरा स्लिंकी के दोनों सिरे को पकड़कर आगे पीछे बारी बारी से खींचें और धक्का दें। तीसरा अब स्लिंकी पर निशान लगा दें और उक्त क्रिया को पुनः दोहराएं और इसे ध्यानपूर्वक देखें। चित्र क्रमांक 7 स्लिंकी में अनुदैर्ध्य तरंगों का बनना, यहाँ सी संपीड़न आर विरलन को दर्शाता है। बच्चों देखिए मेरे पास प्लास्टिक की ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की सहायता से हम अनुदैर्ध्य तरंग को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम इस स्प्रिंग को इस तरीके से फैला देते हैं और उसके बाद मैं अपने दाहिने हाथ से इसे धक्का देती हूँ। देखिए हमें जो कंपन प्राप्त हो रहा है वह कंपन सघन और विरल रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है। ये जो तरंगे हमें इस क्रिया में प्राप्त हो रही हैं, उन्हें ही हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि आगे पीछे धक्का देने और खींचने पर स्लिंकी में लगा चिन्ह भी विस्थापन के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में गति करता है। इस प्रकार की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है, अर्थात वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है, अतः ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं।